हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल। अब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो ना उनके लिए है जिनकी प्लीट्स अच्छे से नहीं बैठती है, हिप वाला पोर्शन भी अच्छे से सेट नहीं हो पाता है, और आपकी जो सिल्की साड़ी है ना वो बहुत ज़्यादा फूली फूली बिखरी बिखरी दिखती है, या फिर जब आप चलते हो तो आपकी जो प्लीट है ना वो पूरी बिखर जाती है और बिल्कुल भी अच्छे से सेट नहीं दिखती है। तो आज की वीडियो आपके लिए है। सो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने पेटीकोट फुटवेयर एंड ब्लाउज वेयर कर लिया है। मेरा फुटवेयर हील वाला इसलिए पहले ही वेयर कर लूँ ताकि साड़ी बांधने के बाद ऊंची नीची ना हो जाए, प्रॉपर लेंथ इजीली से मेजर हो सके। पेटीकोट यहाँ पर शेप वेयर यूज़ किया जिसका फैब्रिक स्ट्रेचेबल है, इसमें डोरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। टमी पे जो वेयर कर रखा है ये एक बॉडी शेप वेयर है, तो सभी की परचेज डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम अपनी साड़ी को ओपन करेंगे तो देखिए ये वाला पोर्शन हमारी साड़ी का पल्लू है। पल्लू वाला जो पोर्शन होता है इसे रखना होता है अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पे जाएंगे। बाय द वे साड़ी को अगर आप परचेज करना चाहती हैं परचेज डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए साड़ी का जो आखिरी सिरा होता है इसे आपको पकड़ना होता है, और आखिरी सिरे को रखना है राइट हैंड साइड की तरफ। अब देखिए सामने के पार्ट को अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करना है। अब यहाँ राइट साइड में हम टकिंग करेंगे। सामने के पार्ट को सबसे पहले टक करते हैं अच्छे से प्रॉपरली मेजर करके, तो देखिए राइट एंड लेफ्ट में टक करते हैं। फिर जो सामने का पार्ट बच जाता है इसको अच्छे से इंसर्ट करना होता है ताकि फैब्रिक सामने फंस के टमी फुली फुली ना दिखे। साड़ी को लेते हुए वन राउंड लेंगे। राइट साइड में आएंगे तो देखिए साड़ी को टाइटली से खींचते हुए राइट में टक करेंगे। इसके बाद हम बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेते हैं। सो इस तरह से जो हमारी फर्स्ट राउंड की बेसिक टकिंग है वो नीट क्लीन टाइट फिटिंग हो जाती है, जिससे हमारा लुक परफेक्ट नज़र आता है। अब हम साड़ी को लेते हैं उसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे, सीधे नहीं जाते, नहीं तो साड़ी बीच से उलट पुलट हो सकती है। सो यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन हमारी साड़ी का पल्लू है, बाकी साड़ी को सामने छोड़ेंगे, केवल पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालना है। अब पल्लू वाला जो पोर्शन है ना इसको सामने लेकर आना है, तो जो दूसरा कॉर्नर दिख रहा है पल्लू का उसे इस तरह से लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे। पल्लू सामने आ गया, आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं, तरीका सेम ही रहता है। सो मैं यहाँ पर राइट से उठाऊंगी, इसलिए लेफ्ट साइड के पल्लू के कॉर्नर को कमर में टकिंग किया ताकि प्लीट्स बनाने में आसानी हो। और देखिए स्मॉल फिंगर थंब से फैब्रिक को पकड़ा है, सामने की टू फिंगर को कैंची की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाते हुए मैं वन बाई वन प्लीट बना रही हूँ। सो इस तरह से आप प्लीट बनाएंगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितनी चौड़ी या पतली प्लीट्स चाहे बना सकती हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो सबसे ऊपर वाली प्लीट होती है ना, देखिए जो अभी मैंने बनाई ये सभी प्लीट से हाफ इंच चौड़ी होनी चाहिए ताकि अंदर की अनइवन प्लीट्स हाइड हो सके। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्लीट सेट करते हैं तो ऊपर की प्लीट चौड़ी हो जाती है और अंदर से प्लीट्स नज़र आती है, तो वो प्रॉब्लम ना आए। प्लीट्स बन जाने के बाद अच्छे से इक्वल करते हुए अरेंज करके पकड़ लेंगे लेफ्ट हैंड में, एंड यहाँ पर हम सिक्योर करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो सिक्योर ज़रूर कर रहे, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पर सिक्योर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अच्छे से पकड़ लिया है। और अब देखिए प्लीट्स को इस तरह से झटकना है एंड थोड़ी सी दूरी पर साइड से वन बाई वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। झटकने से क्या होता है कि आगे वाली प्लीट्स नज़र आती है और हम इजिली से अरेंज कर पाते हैं। एक बार में शोल्डर की प्लीट सेट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पार्ट हम अरेंज करेंगे। तो टमी का सहारा ले लीजिए इस तरह से, और देखिए सामने वाली प्लीट को बिल्कुल अच्छे से सेट करना है ताकि अंदर की सारी प्लीट हाइड रहे, ऊपर की प्लीट कभी भी आपकी चौड़ी रहेगी। अब देखिए इतना पोर्शन हमने अरेंज कर लिया है, थाई पर रखते हुए या फिर टमी के सामने रखते हुए आप रब करें जिससे प्लीट वाली फैब्रिक अच्छे से बैठ जाए। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पे पल्लू की प्लीट्स को रखते हुए फैब्रिक को आगे लाएंगे। अगेन हम देखिए फिर से थोड़ी सी दूरी पे साइड से वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पार्ट सेट करने से एक ही बार में हमारे शोल्डर की प्लीट परफेक्टली सेट हो जाती है। अदरवाइज आप एक बार में ट्राई करते हो सकता है आप बिगनर हो तो बीच में एक आध प्लीट छूट जाए या फिर चौड़ी पतली हो जाए। अब देखिए इतना पोर्शन अगेन अरेंज करके हम रब कर लेंगे ताकि प्लीट्स वाली फैब्रिक अच्छे से बैठ जाए। लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं घुटने से नीचे रखी हूँ, पल्लू की लेंथ प्रॉपरली हमने बना ली है, बट आगे की तरफ भी हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे ताकि सेफ्टी पिन लगाने के बाद पल्लू को हम सेट कर सके सामने की तरफ। अब सेफ्टी पिन लेनी है एंड ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करना है। तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है उससे 1 या 2 इंच बैक में जाएंगे। पल्लू की प्लीट्स एंड ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ लेना है। सेफ्टी पिन आपको ब्लाउज के अंदर से लगानी है, जब उसकी नोक बाहर की तरफ आ जाए तो फिर थोड़ी सी दूर पे अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए सेफ्टी पिन के लॉक को लॉक करते हैं। इस तरह से पल्लू हमारा सिक्योर हो जाता है और सामने की तरफ बार बार नहीं गिरता है। अब देखिए हम सामने की तरफ आएंगे और पल्लू का जो अंदर वाला बॉर्डर है सबसे पहले इसको अपने चेस्ट पर इस तरह से सेट करेंगे। थोड़ा सा क्रॉस में रखना है, इससे क्या होता है कि हमारा लुक भी काफ़ी ज़्यादा टॉल नज़र आता है।
क्योंकि क्रॉस होने से ना हमारा जो नेकलाइन है वो लॉन्ग नजर आता है। और देखिए लेफ्ट की तरफ जो पल्लू वाला पोर्शन है इसे कमर में टक कर लेना है। अब जो शोल्डर की प्लीट है ना सामने की तरफ इन्हें वन बाय वन अच्छे से सेट करना है। एक एक प्लीट हमारी नजर आए इस तरीके से सेट कर लें। और यहाँ पर देखिए हम सिक्योर करेंगे, क्योंकि क्या होता है कई बार हमारी शोल्डर की प्लीट अभी तो सेट है बट कुछ टाइम बाद ना ये इधर उधर हो जाती है। तो थोड़ा सा देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर फर्स्ट प्लीट को हटाएंगे, ब्लाउज के साथ प्लीट वाली फैब्रिक को पकड़ लेंगे। सेफ्टी पिन में ब्लाउज के अंदर से लगा रही हूँ, अगर आपकी साइड ट्रांसपेरेंट ना हो तो आप ऊपर से भी लगा सकती हैं। अब देखिए आपका जो पल्लू वाला पोर्शन है बिल्कुल इसी तरह से सेट रहेगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा जब तक आप ना चाहें ना आपका ये पल्लू का प्लेयर्स बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब देखिए लेफ्ट की तरफ जो हमारा फैब्रिक आ रहा है हिप पे, इसको सेट करते हुए अपने राइट वाले पैर तक लेकर जाएंगे। एंड यहाँ पर हिप की प्लीट बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इजी तरीका बता देती हूँ। देखिए थाई का आपको सहारा लेना है और इस तरह से फैब्रिक को पकड़ते हुए चुन्नटें उठानी है, पतली पतली 3 या 4 चुन्नटें उठा लें। इस तरह से चुन्नट उठा लेने के बाद इसे राइट की तरफ खींचिएगा और हिप पे देखिए अच्छे से सेट हो जाएगा। अब थंब को पेटीकोट के अंदर इंसर्ट करते हुए हिप की जो प्लीट बनाई इसे पकड़ लेंगे। बड़ी सी सेफ्टी पिन लेनी है, सेफ्टी पिन में मैंने यहाँ पर प्लास्टिक अटैच किया ताकि साड़ी इसमें फंस के ना फटे। एंड इसके बाद पेटीकोट को लेते हुए हम जिगजैग स्टाइल में सेफ्टी पिन लगाएंगे, यानी कि जैसे हम स्टिचिंग करते बिल्कुल उसी तरह से हमें सेफ्टी पिन लगानी होती है ताकि साड़ी भी डैमेज ना हो और हिप वाला पोर्शन भी फिटेड हो जाए। तो हिप वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास जितनी भी साड़ियाँ बच गई हैं इनकी हम प्लीट्स बनाएंगे। सो यहाँ पर आप राइट लेफ्ट कहीं से भी प्लीट उठा सकती हैं, तरीका सेम ही रहेगा। सो मैं यहाँ पर राइट से उठाऊंगी। सबसे पहले आपको नेवा से 4 अंगुल आगे जाना है इस तरह से, एंड देखिए थंब और स्मॉल फिंगर से फैब्रिक को पकड़ लेना है। सामने की 2 फिंगर को कैंची के तक करते उसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हम 1 बाय 1 प्लीट बनाएंगे। अब यहाँ पर जो आपकी जॉर्जेट की साड़ी होती है या फिर शिफॉन की ना उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी चौड़ी प्लीट बनाइएगा, बहुत चौड़ी नहीं बस उससे थोड़ी सी चौड़ी, क्योंकि जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं या फिर कॉटन की साड़ियाँ ना इनकी जो प्लीटें होती हैं फूली फूली होती हैं, तो गहरी होने से ना अच्छे से ये नीचे तक सेट हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए जब आप प्लीट बनाते हुए आएंगे तो अंदर की तरफ ना आपको एक प्लीट का फैब्रिक छोड़ना होता है। अगर आप सभी साड़ियों की प्लीट बना देंगे तो जो सेफ्टी पिन लगाई है ना वो वाला फैब्रिक आपका खींच जाएगा और नीचे से आपका जो प्लीट है वो अच्छे से सेट नहीं होगा। प्लीटें बन जाने के बाद इनको अच्छे से झटक लेना है एंड ऊपर साइड से हम अरेंज करेंगे। सो बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में 1/2 सेंटीमीटर का गैपिंग रखते हुए हम प्लीट्स को अरेंज करेंगे। इस तरह से अरेंज करने से हमारी सभी प्लेट्स उभर के नज़र आती हैं और नीचे से अनइवन फॉल साइड भी नहीं रहती है। यहाँ पर देखिए केवल पहली प्लीट को मैंने ओपन किया है, राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको लेते हुए हम पहली प्लीट को चौड़ी करेंगे। तो कभी भी पहली प्लीट आपकी चौड़ी होनी चाहिए तभी वो अच्छे से सेट रहती है, राइट की तरफ नहीं भागती है। और अंदर से देखिए एक एक प्लीट को पकड़ते हुए यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ खींचना है, क्योंकि कई बार यहीं से प्लीट सरक जाती है और आपके नीचे से फॉल साइड नज़र आती है। अब प्लेट्स यहाँ पर बन गई है तो इन्हें हमें सिक्योर करना होगा, क्योंकि अभी इन्हें सेट करना है तो सेट करने से पहले सिक्योर ज़रूर करें ताकि प्लेट्स छूट जाए तो दोबारा न बनानी पड़े। तो ऊपर की तरफ अरेंज करते हुए यहाँ पर हम सिक्योर करेंगे। मैं इस तरह की साड़ी पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास ये साड़ी पिन ना हो तो आप सेफ्टी पिन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बट ये साड़ी पिन हमारी साड़ी को डैमेज नहीं करती है। अब प्लेट सिक्योर हो जाने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ देखिए मैं आई हूँ और साइड से 1 बाय 1 एक एक प्लीट को पकड़ते हुए इस तरह से अरेंज कर रही हूँ। ऊपर से जो प्लीट आ रही है ना उन्हें भी फॉलो करना होता है, एक भी प्लीट्स आपके देखिए दबे ना या छूटे ना। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पार्ट हम सेट करते हैं। इतना पोर्शन अरेंज होने के बाद यहाँ पर हम सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के लिए मैं कपड़े सुखाने वाली चिमटी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास ना हो तो आप क्लचर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इतना पोर्शन जो हमने अरेंज किया है इसे अच्छे से हैंड से प्रेस करेंगे ताकि प्लीट्स की फैब्रिक बैठ जाए। जहाँ पर चिमटी लगा रखी यहाँ पकड़ के थोड़ा सा झटक देंगे और नीचे की तरफ आएंगे। देखिए 1 बाय 1 अगेन हम साइड से एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। तो जैसे हम शोल्डर की प्लीट को थोड़ा थोड़ा सेट करते हैं ना बिल्कुल वैसे हमें कमर की प्लीट को भी सेट करना होता है। एक बार आप सेट कर देंगे ना तो अच्छे से आपकी प्लीट बैठ जाएगी, बिल्कुल भी फूली फूली बिखरी बिखरी नहीं होगी। ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए देखिए मैं पकड़ती हूँ काफ़ी टाइटली से ताकि जो प्लीट की फैब्रिक है ना वो नीचे तक प्रेस होती चली जाए। और नीचे फॉल साइड की तरफ अच्छे से अरेंज करके हैंड से प्रेस करना होता है ताकि प्लीट्स की जो फैब्रिक है ना एकदम अच्छी तरीके से बैठ जाए। यहाँ पर अगर आपने प्रेस कर दिया है फॉल के साइड तो आपकी प्लीट तब तक काफ़ी अच्छे से रहती है जब तक कि आप इन्हें खोलेंगी नहीं। और यहाँ पर देखिए जो मेरी प्लीट बहुत पहले फूली फूली थी ना आप देखेंगे बिल्कुल भी यहाँ पर फूली फूली नहीं दिख रही, अच्छे से सेट हो चुकी है। अब नेवल के ठीक सामने रखते हुए हम मेज़र करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर टकिंग करना है। फाइनली वहीं पर मैं साइड से 1 बाय 1 एक एक प्लीट को पकड़ते हुए अरेंज की हूँ। नेवल के ठीक सामने रखते हुए इन प्लीट को हम पेटीकोट में टकिंग करेंगे। चौड़ी प्लीट को ऊपर ज़रूर खींचे क्योंकि वो लटक जाती है कई बार।
अब देखिए प्लीट को जब आप टक करेंगी तो अच्छे से टक कीजिएगा, थोड़ा सा शेक कर दीजिएगा ताकि फैब्रिक अंदर तक चली जाए। यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करें। और यहाँ पर देखिए आपका जो प्लीट है वो टक हो गया। राइट साइड की तरफ जो थोड़ा बहुत ओपन पार्ट है इसको यहीं पर टक कर लेंगे। राइट साइड वाला पार्ट ना आपका पल्लू से कवर हो जाएगा, तो इस तरह से कवर कर लेना अच्छे से। और पल्लू की प्लीट्स को एक बार फिर से हम ठीक कर लेंगे। यहाँ पर जो चिमटी लगाई है ना इसे हम निकाल लेंगे। एंड अभी क्या है कि हमारी साड़ी तो ड्रैप हो गई है, बट हम नहीं चाहते कि चलने के बाद कुछ देर बाद जो हमारी प्लीटें फूली फूली बिखरी बिखरी होती हैं वो हो जाए। तो इसके लिए देखिए मैं ब्रोच वाली पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी सी दूरी पर इन प्लीट को आपको अरेंज करना है। अब यहाँ पर आपके पास ब्रोच वाली पिन ना होना तो आप सेफ्टी पिन इस्तेमाल करेंगे, बट आपको अंदर से इस्तेमाल करना होगा। सो यहाँ पर मैं पेटीकोट को लेते हुए इस ब्रोच वाली पिन को लगा रही हूँ, क्योंकि इससे जो हमारी प्लीट है ना वो पेटीकोट के साथ सिक्योर हो जाती है और हम चलेंगे ना तो भी ये प्लीट बिखरती नहीं, इधर उधर नहीं होती हैं, काफ़ी देर तक सेट रहती हैं। जब तक हम ना चाहें ना हमारी प्लीट बिल्कुल भी नहीं खुलती हैं। और ब्रोच वाली पिन लगाने के बाद हमारा जो फाइनल लुक है ना वो आप देख सकती हैं। ब्रोच वाली पिन से हमारा लुक तो इन्हेंस होता ही है, साथ ही साथ हमारी जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना कि प्लीट इधर उधर हो जाती है चलते वक्त, वो प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पर आप देख सकती हैं, मैं आपको चल के भी दिखाऊंगी, देखिए पैर फैलाने के बाद भी ये प्लीट वापस उसी पोजीशन में आ जाती हैं। तो एक आपकी जो सेफ्टी पिन होती है सामने, अगर आप लगा ले तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है नीचे वाली प्लीट्स को लेकर। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।